वर्तमान जो सांसद है बिजराल जी, उससे आप खुश हैं कि ना खुश है? से ना खुश है, लेकिन फिर भी वोट उन्हीं को देना है। क्या करेंगे, मजबूरी है। अभी वर्तमान सांसद जी है, उससे आप खुश है कि ना खुश है? ना खुश है। चल रहा है कि दुलाल गोस्वामी को तो पहले गाली देगा आदमी, ताकि ये अभी तक क्षेत्र में जीत के जाने के बाद एक बार भी वो दुलाल चंद्र गोस्वामी आया नहीं है। वो अपने आप को क्या समझता है ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन गाली तो देंगे उसको, वोट भी देंगे उसको। मेरा एक ही मुद्दा रहेगा कि जो भी नेता विकास के नाम पर काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, और मेरी नजर में दुलाल गोस्वामी एक ऐसा नेता है जो विकास के नाम पर काम करेगा। भेलागंज हाट में हम जानना चाहेंगे कि इलेक्शन को लेके जो चर्चाएं चल रही है इसी के बारे में जानना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? तुलसी कुमार, तुलसी साहब। अभी जो है चुनाव को लेके जो चर्चा चल रही है, तो अभी आपकी इधर का क्या चर्चा है? अभी तो चर्चा है मोदी का, लोकसभा चुनाव का जो चर्चा है, तो यहाँ पर जो है दुलाल और आपका तारिक अनवर साहब ये दो है पार्टी, तो इसमें से आप किसको समर्थन कर रहे हैं? समर्थन तो इस दुलाले का है, वर्तमान बीजेपी में सटा हुआ है, यही कारण है, नहीं तो इधर के एरिया में वो तो काम किया नहीं, एक भी काम नहीं किया। वर्तमान जो सांसद है दुलाल जी, उससे आप खुश है कि ना खुश है? उससे ना खुश है, लेकिन फिर भी वोट उन्हीं को देना है। क्या करेंगे, मजबूरी है। तो आपका अब तक कितना बार वोट दिए आप? हम तो कितनों बार दिए। क्या नाम है आपका? तुलसी साहब जी। आपका क्या नाम है? दिलीप चंद्र साहब। अभी वर्तमान सांसद जी है, उससे आप खुश है कि नाखुश है? नाखुश है। नाखुश है। अभी तो यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव जो होना है 26 अप्रैल को, यहाँ पर अभी दो पार्टी है, एक महागठबंधन है और एक महागठबंधन से आपका जो है तारिक अनवर साहब है, और एनडीए से आपका ये है दुलाल जी। तो आप किसको वोट करेंगे? मोदी को वोट करेंगे। मोदी को वोट करेंगे, मोदी के ही नाम पर ही वोट करेंगे। हाँ, मोदी के ही नाम पर ही वोट। मैं तो नीतीश के नाम पर तो होगा ही। विद्यानंद साहब। विद्यानंद साहब अब तक वोट किए हैं आप? एक बार किए। तो इस बार जो है वर्तमान सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जी हैं एक तरफ, और एक तरफ है तारिक अनवर साहब। तो आप जो है यहाँ पर चुनाव का चर्चा चल रहा है, तो किस तरह का चर्चा है यहाँ पर? हाँ, अभी तक तो हम लोग को समझ में नहीं बज रहा है किसको देना है नहीं देना है। मन बनाने के बाद अब देख रहे हैं जिसके तरफ वोट जाए जाए उसी के लिए। अभी तक आप मन नहीं बना है। आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर साहब। तो अभी चुनाव का जो चर्चा चल रही है, चाय दुकान में या पान दुकान में कहीं भी, तो अभी इधर का क्या चर्चा है आपकी इधर की? चर्चा तो अभी कोई तरह का अभी है नहीं, अभी गुमसुम है। गुमसुम है, लेकिन सवाल पैदा कि जब नॉमिनेशन तो 4 तारीख को होने वाला है। नहीं, नॉमिनेशन तो हो चुका है। इधर जो दुलाल स्वामी का कब है? 4 तारीख हो गया, कम्प्लीट हो गया। हो गया ना। हाँ। अभी जब होने के बाद जब इसका आएगा, जिधर जैसा रुझान होगा वैसा किया जाएगा। तो वर्तमान सांसद जी है अभी दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, और उसके जो है अपोजिट में है आपका तारिक अनवर साहब महागठबंधन। तो आपको वर्तमान सांसद से आप कितना खुश हैं कामकाज से? उसका खुश तो ऐसे हमारे क्षेत्र में विकास नहीं भी किए हैं ना, कभी आए हैं, कभी ना आए हैं, लेकिन सवाल पैदा वो बात नहीं है, बात जहाँ भी किए काम अच्छे ही किए हैं, लेकिन हम लोग सोच विचार के जैसा होगा वैसा ही करेंगे। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हमारा हो गया। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार साहब जी। अभी लोकसभा चुनाव का चर्चा है, तो अभी कैसा लग रहा है आपको इधर? अभी गुमसुम है, पूरा पूरा गुमसुम है। हाँ। अभी चुके देखिए, अभी महागठबंधन और एक तरफ मान के चलिए दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, एक तरफ तारिक अनवर साहब, लेकिन अब देखना है ये आप किधर जा रहे हैं। अब जब वोट देने के लिए जब निकलेंगे घर से, तो मन में आपका होगा ना कि किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? मिला लेंगे अपने, जो मुद्दा होगा ना कि हम क्या मुद्दे पर वोट करेंगे उस टाइम मुद्दा बनाएंगे ना। अच्छा, जिस टाइम वोट देंगे। प्रसाद साहब जी, तो अभी लोकसभा का चुनाव का जो चर्चा चल रहा है, इस चर्चा के दौर में हम आप पहुंचे भेलागंज मधाईपुर पंचायत। तो अभी यहाँ पर आपका क्या चर्चा चल रही है?
चल रहा है कि दुलाल गोस्वामी को तो पहले गाली देगा आदमी, ताकि ये अभी तक क्षेत्र में जीत के जाने के बाद एक बार भी वो दुलाल चंद्र गोस्वामी आया नहीं है। जी। वो अपने आप को क्या समझता है ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन गाली तो देंगे उसको, वोट भी देंगे उसको, गाली भी देंगे वोट भी देंगे। तो अभी जो काम काज किए हैं, काम काज कुछ नहीं किया हम लोग के एरिया में, तो कोई काम काज नहीं किया। वो कौन काम काज किया उसको बताए, उसको भी काम काज। धन्यवाद। मोदी बोल रहे तो वोट मिल रहा है, अन्यथा उसको मिलेगा भी नहीं। मोदी कहाँ जाएगा कौन जानता है, वही बारसे क्षेत्र का ही आदमी जानेगा। देखिए यहाँ पर जो है कुछ लोग है बोल रहे हैं कि वर्तमान सांसद दुलाल जी कुछ काम किए नहीं है, लेकिन गाली भी देंगे वोट भी देंगे। अब देखना यह है कि आने वाला समय में क्या करते हैं यहाँ के लोग। का जो है चुनाव का माहौल है, अभी इलेक्शन 26 अप्रैल को वोट डालना है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार राय हुआ। आपका भी वोट डाले हैं? हाँ। तो अभी जो आपको वोट डालना है, तो आपका जो है विकास को लेकर क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट डालने का? मेरा एक ही मुद्दा रहेगा कि जो भी नेता विकास के नाम पर काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, और मेरी नज़र में दुलाल गोस्वामी एक ऐसा नेता है जो विकास के नाम पर काम करेगा और लोकल भी है। लोकल होने का एक फायदा है कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो वो घर में आएगा और घर में आके हम लोगों का समस्या को सुनेगा। दुलाल गोस्वामी ये काम कर रहे हैं और इसलिए हम लोग उसी को वोट डालेंगे। तो अभी जो है अभी आज के डेट में जो वर्तमान सांसद है तो उसका कैसा विकास लगा आपको? विकास ठीक है, जितने भी सांसद आए और जितने भी सांसद गए उससे कहीं ना कहीं बेहतर काम किए हैं और काम शायद करते रहेंगे बढ़िया। आपका घर? कुरुम। ये तो पब्लिक है सब जानते हैं, ये प्रोग्राम चल रही है हमारे केबीसी की ओर से और हम पब्लिक के बीच आप पहुंचे हैं और पब्लिक की सारी बात सुनिए आप।